कि वेदर इट्स एल्विस यादव टुडे और टुमारो इट कुड बी एनीबडी एल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एल्विस यादव को बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कभी स्नेक पॉइजन को लेके, कभी ड्रग्स को लेके, कभी उन्हें बोला जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है, कभी क्या तो कभी क्या। और इन सारे फेक न्यूज को फैलने के पीछे जो मेन रीजन है वो है इंडियन मीडिया, जो कि बिना जांचे परखे कुछ भी, मतलब कुछ भी दिखा दे रही, इंक्लूडिंग मी। और इसलिए अब बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और एल्विस यादव को सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो इसी पर रिसेंटली आकांक्षा पुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला जहां पर उन्होंने इंडियन मीडिया को एक्सपोज किया, साथ ही उन्होंने एल्विस यादव को सपोर्ट करते हुए क्या बोला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मेरी कंसर्न है कि अगर आप किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, स्पेशली इट्स अबाउट अ क्राइम, और ये प्रूफ करने वाले हम लोग नहीं होते, और आप एटलीस्ट जिस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं उससे तो पूछ लीजिए, उससे तो ये न्यूज कंफर्म कीजिए इतना सब लिखने से पहले। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट मीडिया एंड एवरीवन कि वेदर इट्स एल्विस यादव और वेदर इट्स एनीबडी एल्स, कोई भी सेलिब्रिटी किसी के भी बारे में अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट एक हेडिंग में लिख रहे हैं तो एटलीस्ट कंफर्म करिए उस न्यूज़ को, अदरवाइज ये बहुत ही बुरी एक पिक्चर दिखाती है उस आर्टिस्ट या उस सेलिब्रिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि वो एल्विस यादव को फुल सपोर्ट कर रही, साथ ही उन्होंने इंडियन मीडिया को एक्सपोज करते हुए बोला कि प्लीज ऐसी फेक न्यूज को मत फैला, जब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो तब तक कोई भी न्यूज बिना मतलब का मत डालो। बाकी अगर आप भी एल्विस यादव को सपोर्ट करते हो तो नीचे कमेंट में वी सपोर्ट एल्विस यादव जरूर लिखना, और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए खबरी मैन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।